फ्रेंड्स हाउ आर यू। आई थिंक ऑल आर फाइन। सो नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर टेरिबल स्टूडेंट्स यानी कि राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति की तरफ से नोटिफिकेशन आया है, और ये नोटिफिकेशन जो है अभी अभी आया है कि किस किस टाइप की वैकेंसीज़ इसमें आने वाली है, क्या कुछ उसके लिए आपका मेथड्स रहेगा, क्या रूल्स रहेंगे, वो आपके नोटिफिकेशन में गिवन है। और ये गिवन का मतलब है कि जल्द ही आपको नई वैकेंसी देखने को मिलेंगी, ताकि आपके माइंड में एक पॉजिटिव होप हो और आपकी अच्छे से तैयारी कर सको, क्योंकि आपको एक गोल मिल जाता है। तो किस तरह की पोस्ट आने वाली हैं, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, पीजीटी, टीजीटी, आर्ट टीचर, म्यूजिक टीचर, फिजिकल एजुकेशन टीचर, लाइब्रेरियन, काउंसलर, स्टाफ नर्स, हॉस्टल वार्डन, अकाउंटेंट, सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, कैटरिंग असिस्टेंट, ड्राइवर, इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर, लैब अटेंडेंट, गार्डनर, कुक, मैस हेल्पर, चौकीदार, स्वीपर। तो ये जो है 23 टाइप्स की वैकेंसी आने वाली हैं। अब इनके लिए क्वालिफ़िकेशन क्या रहेगी, ताकि बाद में आपकी जो ये इशू ना रहे कि भाई मेरी क्वालिफ़िकेशन ये कुछ नहीं थी, तो इसी वजह से पहले ही नोटिफिकेशन मेंशन कर दिया है, ताकि आप अपनी क्वालिफ़िकेशन ठीक कर सको। पे स्केल क्या रहेगा, ये सब कुछ इसमें मेंशन है। तो प्रिंसिपल का रहेगा नंबर ऑफ पोस्ट, टोटल 740 आने वाली हैं। क्लासिफिकेशन ग्रुप ए के अकॉर्डिंग पे स्केल क्या रहेगा, 78,800 से 2,92,000। वेदर सिलेक्शन पोस्ट और नॉन सिलेक्शन पोस्ट नोट अप्लीकेबल। एज लिमिट क्या रहेगी, 50 ईयर्स आपकी मैक्सिमम एज लिमिट रहेगी। एससी एसटी ओबीसी वालों को थोड़ा रिलैक्सेशन मिल सकता है। एजुकेशन मास्टर डिग्री होनी चाहिए, बीएड होनी चाहिए, और 12 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद है 2 ईयर का प्रोबेशन होगा आपका यहाँ पे, और मेथड जो रहेगा रिक्रूटमेंट का, वो जो टोटल पोस्ट है 50% आपकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के बेस पे होंगी, 25% आपकी प्रमोशन के बेस पे होंगी, और 25% जो लिमिटेड डिपार्टमेंट है उनके कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के बेस पे होंगी। इन केस ऑफ रिक्रूटमेंट बाय प्रमोशन डेपुटेशन ग्रेड फ्रॉम विच प्रमोशन, तो ये जो है कि कितना आपका प्रमोशन के बेस पे होगी, कैसे क्या कुछ, ये यहाँ पे आपका मेंशन है। उसके बाद चलते हैं जी वाइस प्रिंसिपल। वाइस प्रिंसिपल की जो सैलरी रहेगी वो लेवल 10 के अकॉर्डिंग रहेगी, और इनकी जो टोटल पोस्ट मेंशन है इनकी भी 740 मेंशन है। उसके बाद चेक कर लेते हैं जी पीजीटी की। तो पीजीटी की जो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की जो वैकेंसी आएंगी वो आपकी 8,140 वैकेंसी आएंगी। तो 81,440 आपकी जो वैकेंसी आने वाली हैं, और वो किस किस डिपार्टमेंट में आएंगी ये भी ध्यान रखना, चेंज हो सकती हैं एज पर रिक्वायरमेंट। देखो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉमर्स, यानी कि 12 सब्जेक्ट्स जो है पीजीटी के आपकी जो रिक्रूटमेंट होगी, उसके साथ साथ हिंदी, इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेज की। ग्रुप बी की है सैलरी आपकी 47,600 रहेगी, और एज लिमिट रहेगी आपकी मैक्सिमम 40 ईयर्स। सो जो आपकी क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए वो ज़रूर देखिए, पीजीटी इंग्लिश, यानी कि जिस भी डिपार्टमेंट में आप अप्लाई करना चाहते हो उसी डिपार्टमेंट में आपके क्या होने चाहिए, मास्टर डिग्री होनी चाहिए। अब कॉमर्स विद अकाउंटेंसी, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एज ए मेजर सब्जेक्ट ऑफ स्टडीज, होल्डर्स ऑफ डिग्री ऑफ एम कॉम इज, यानी कि जो बिजनेस इकोनॉमिक्स से या अप्लाइड से जिन्होंने एम कॉम कर रखी है वो एलिजिबल नहीं है, लेकिन इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट है तो आप एलिजिबल हो। इंपॉर्टेंट नोट, मास्टर डिग्री इन सब्जेक्ट एज डिग्री इन केस ऑफ 4 ईयर डिग्री कोर्स बी एड इज नॉट रिक्वायर्ड। बीएड की डिग्री आपके पास होनी ज़रूरी है, लेकिन जो इन केस ऑफ इंटीग्रेटेड 4 ईयर जो डिग्री कोर्स होता है वो यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है, कि आपका 4 ईयर का जो डिग्री कोर्स है वही होना ज़रूरी है, ठीक है। पीरियड ऑफ प्रोबेशन हो रहेगा जो आपका वो 2 ईयर्स रहेगा। पीजीटी कॉमर्स एंड पीजीटी इकोनॉमिक्स 100% बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। सो यहाँ पे जो है मेंशन है कि आपको किस तरह से क्या वैकेंसीज आपकी रहेंगी। एक मिनट, टीजीटी के में पहुंच गए जी। जो पीजीटी कॉमर्स और पीजीटी इकोनॉमिक्स की जो भी वैकेंसी आएंगी 100% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के बेस पे होंगी, और पीजीटी
हिंदी इंग्लिश रीजनल लैंग्वेज की 50% प्रमोशन के बेस पे होंगी, 25-50% आपकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के बेस पे होंगी, और जो अदर सब्जेक्ट है 25% बाय प्रमोशन एंड 75% बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉलिंग विच ऑन डेपुटेशन। इट मीन्स जो PGT कॉमर्स हैं और PGT इकोनॉमिक्स हैं, जितनी भी वैकेंसी होंगी सारी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के बेस पे होंगी। तो अच्छे से अपनी तैयारी में जो है आप जम जाइए, उसके बाद अदर जो भी हैं वो भी देख लेते हैं एक बार। प्रमोशन TGT मैथ, PGT मैथ्स, TGT साइंस का, PGT बायो या केमिस्ट्री में, तो ये यहाँ पे मेंशन है कि किस सब्जेक्ट्स का किस में प्रमोशन हो सकता है, क्योंकि जो कॉमर्स और इकोनॉमिक्स की है वो यहाँ पे मेंशन नहीं है, क्योंकि उनके लिए जो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन आएगा। उसके बाद है PGT कंप्यूटर साइंस। PGT कंप्यूटर साइंस के लिए अलग से रूल मेंशन है आपकी। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर 740 इसकी वैकेंसी आने वाली है, नंबर ऑफ पोस्ट 740, लेवल 8 के अकॉर्डिंग पे ग्रेड रहेगी, 55 ईयर्स जो है EMRs एम्प्लॉयज़, अगर आप इसी संस्था में पहले काम करते हो तो 55 है, वरना आपकी 40 ईयर्स एज लिमिट है। क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, MSc MCA फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, नॉट एप्लीकेबल, 2 ईयर्स का आपका जो है डेपुटेशन पीरियड है, 100% जो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के बेस पे होगा। सो ये जो है आपकी टोटल वैकेंसी, जो आपकी पोस्ट हैं वो हैं जी TGT की, TGT इंग्लिश हिंदी रीजनल लैंग्वेज मैथमेटिक्स साइंस सोशल साइंस, जो टोटल पोस्ट रहने वाली हैं 8,880 पोस्ट रहने वाली हैं, लेवल 7 के अकॉर्डिंग पे ग्रेड रहेगा आपका, 44,900 से 142,400, और मैक्सिमम एज लिमिट आपकी 35 ईयर्स है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी क्या होनी चाहिए, 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स फ्रॉम NCERT, बैचलर डिग्री, यानी कि आपने पोस्ट ग्रेजुएट कर रखी हो, एटलीस्ट 2 ईयर इन द 3 ईयर डिग्री कोर्स, यानी कि अगर आपने बैचलर डिग्री कर रखी है तो आप अप्लाई कर सकते हो। इसमें कोई परसेंटेज वगैरह यहाँ पे शायद मेंशन नहीं है। अगर TGT हिंदी के लिए आप करना चाहते हो तो 3 इयर्स के डिग्री कोर्स में आपकी हिंदी होनी चाहिए, इंग्लिश है तो इंग्लिश, यानी कि जिस भी सब्जेक्ट्स के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो वो सब्जेक्ट्स आपके लिए पास होना ज़रूरी है। और TGT सोशल साइंस की आप ध्यान से देख लो, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है। तो हिस्ट्री विद ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल साइंस, ये आपका कॉम्बिनेशन ग्रेजुएशन लेवल में होना ज़रूरी है, या फिर अगर आपने ज्योग्राफी ले रखी है तो ज्योग्राफी विद हिस्ट्री इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल साइंस, इनमें से एक आपके साथ होना ज़रूरी है। हिस्ट्री ज्योग्राफी है तो ये भी कॉम्बिनेशन आपका बेस्ट रहेगा। CTET BA डिग्री होनी ज़रूरी है, CTET पास होना ज़रूरी है, टाइम पीरियड रहेगा 2 ईयर्स का, बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, उसके बाद है आर टीचर्स के लिए भी आपका जो पे स्केल रहेगा लेवल 6 के अकॉर्डिंग रहेगा, और पोस्ट रहेंगी 740। एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, यानी कि आपकी उसमें डिग्री होनी चाहिए जिसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हो। तो मोस्टली केसेस में यही गिवन है। म्यूजिक टीचर की भी टोटल 740 हैं, लेवल 6 के अकॉर्डिंग पे स्केल रहेगा, एज लिमिट आपकी 35 ईयर्स रहेगी, जो टाइम पीरियड है वो आपका 2 ईयर ही सभी का मेंशन है। फिजिकल एजुकेशन टीचर की टोटल पोस्ट 480 रहेंगी, यानी कि 1480, लेवल 6 के अकॉर्डिंग आपका पे ग्रेड रहेगा, एज लिमिट 35 ईयर्स आपकी रहेगी। तो ये ध्यान रखना, जिस भी सब्जेक्ट्स के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो उसमें आपकी ग्रेजुएशन उसी सब्जेक्ट्स में होनी चाहिए। लाइब्रेरियन की 740 पोस्ट है, लेवल 7 के अकॉर्डिंग आपका पे ग्रेड रहेगा, 35 ईयर्स एज लिमिट आपकी रहेगी। नर्स के लिए आपका जो स्टाफ नर्स की पोस्ट है उसके लिए 740 जो है आपकी पोस्ट रहेगी, लेवल 5 के अकॉर्डिंग जो है आपका पे ग्रेड रहेगा, एज लिमिट 35 ईयर्स आपकी रहेगी, 100% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा आपका। इसके बाद है हॉस्टल वार्डन के लिए आपकी टोटल 1480 पोस्ट है, 1 मेल और 1 फीमेल, यानी कि जितनी भी पोस्ट है उनकी
हाफ आपकी मेल की होंगी, हाफ आपकी फीमेल की होंगी। लेवल 5 के अकॉर्डिंग पे ग्रेड रहेगा, 35 ईयर्स आपका जो है एज लिमिट रहेगी, बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपकी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, 100% ऑन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, पोस्टल वार्डन की है ये आपकी। तो देखो सैलरी काफ़ी अच्छी है इसकी भी, 29,200। उसके बाद है अकाउंटेंट, अकाउंटेंट की 740 पोस्ट रहेंगी आपकी, 35,400 से 1,12,400 आपका लेवल 6 के अकॉर्डिंग पे स्केल रहेगा, 30 ईयर्स इसकी आपकी एज लिमिट है, डिग्री ऑफ कॉमर्स होना ज़रूरी है, इनकी कॉमर्स सब्जेक्ट से आपकी डिग्री होनी चाहिए, 50% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा और 50% प्रमोशन के बेस पे आपकी ये जॉब रहेगी, तो कॉमर्स वाले यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। कैटरिंग असिस्टेंट की 740 पोस्ट रहेगी, ग्रुप सी की क्लासिफिकेशन है, लेवल 4 के अकॉर्डिंग रहेगा आपकी सैलरी, 35 ईयर्स आपकी एज लिमिट रहेगी, 3 ईयर डिग्री कोर्स होना चाहिए आपकी कैटरिंग में, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगी फाइलिंग विद डेपुटेशन के बेसिस पे। चौकीदार की 1480 पोस्ट है आपकी, 18,000 से 59,900 आपकी जो पे स्केल रहेगा, एज लिमिट वो है आपकी 30 ईयर्स, 10th आपकी होनी चाहिए। कुक है, कुक की 740 पोस्ट होगी, लेवल 2 के अकॉर्डिंग आपकी एज लिमिट आपकी 35 ईयर्स रहेगी, मैक्सिमम एज आपकी 45 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 10th पास कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। काउंसलर की 740 पोस्ट होगी, लेवल 6, पे ग्रेड आपका 35,400 से 1,12,400 रहेगा, 30 ईयर्स आपकी एज लिमिट रहेगी, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के बेस पे होगा 100%। काउंसलर की 740 पोस्ट आपकी 35,400 से 1,12,400 तक आपका पे स्केल रहेगा, एज लिमिट रहेगी 30 ईयर्स और 100% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के बेस पे होगा। तो देखो जो यहाँ पे पहले काम कर चुके हैं उनको एज रिलैक्सेशन मिलेगा, जो ड्राइवर है उनकी 740 पोस्ट है ग्रुप सी के अकॉर्डिंग, लेवल 2, पे स्केल रहेगा 19,900 से 63,200, 100% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा ये भी। उसके बाद है इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर, 740 पोस्ट है इसकी, 19,900 से 63,200, 2 ईयर्स का डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के बेस पे होगा 100%। उसके बाद है गार्डनर की 740 है आपकी, लेवल 1 के अकॉर्डिंग 35 एज लिमिट है, 10th पास होना चाहिए, 100% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। तो 2 ईयर्स के लिए ये जो वैकेंसीज ये आपकी निकली है, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट टोटल 1480 पोस्ट है, लेवल 2 के अकॉर्डिंग आपका पे स्केल रहेगा, 30 ईयर्स आपकी मैक्सिमम एज लिमिट है। उसके बाद है लैब अटेंडेंट की 740 पोस्ट है ग्रुप सी के अकॉर्डिंग आपकी पे स्केल रहेगा, एज लिमिट आपकी 30 ईयर्स रहेगी, असेंशियल क्वालिफिकेशन 10th होनी चाहिए आपकी लेबोरेटरी टेक्निक में, अगर इसमें नहीं है तो 12th आपकी साइंस स्ट्रीम से होनी चाहिए, तो आप रिक्रूटमेंट अप्लाई कर सकते हो। मैथ हेल्पर के लिए 1480 पोस्ट है, लेवल 1 के अकॉर्डिंग पे स्केल रहेगा, 30 ईयर्स एज लिमिट है, 10th पास आपकी होनी चाहिए, 100% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा इसका आपका। उसके बाद है सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, टोटल 740 पोस्ट हैं लेवल 4 के अकॉर्डिंग, सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की भी आपकी 740 पोस्ट है लेवल 4 के अकॉर्डिंग और 50% डेपुटेशन बेसिस पे, 50% आपका लिमिटेड डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के बेस पे होगा, यानी कि जो इस डिपार्टमेंट्स में अदर डिपार्टमेंट में वर्क कर रहे हैं, जो लिमिटेड डिपार्टमेंट हैं उनके कैंडिडेट्स के लिए कम्पिटिटिव एग्ज़ाम करवाया जाएगा। उसके बाद है स्वीपर की टोटल 2,220 पोस्ट है, 18,000 से 56,900 सैलरी रहेगी, 30 ईयर्स एज लिमिट है आपकी, 10th पास होनी चाहिए, 100% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के बेस पे है। तो ये जो है 40 पेज का आपका नोटिफिकेशन है, जो जो पोस्ट हैं वो सभी हमने आपको इस वीडियो के थ्रू इन्फॉर्मेशन दे दी है कि क्या इसकी एलिजिबिलिटी रहेगी, क्या क्राइटेरिया रहेगा, क्या पे स्केल रहेगा। तो अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेशन में पूछ सकते हो और तैयारी अच्छे से करना, क्योंकि ये अब जो पोस्ट ये है आने वाली हैं और ये 2 ईयर्स के लिए हैं, लेकिन हर बार इसी तरह से वैकेंसी निकलती हैं, तो अगर आपकी अच्छी तैयारी रहेगी तो नेक्स्ट 2 ईयर्स भी आप एग्ज़ाम दे सकते हो और यहीं पर आपका दोबारा से आपके लगने के चांस
बढ़ जाते हैं, क्यों? क्योंकि जिन्होंने यहाँ पे वर्क किया है उनको जो है छूट मिलती है इस चीज़ में, ठीक है। तो इस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखिएगा और जो अपनी तैयारी है जम के कीजिएगा। बहुत सारे डिपार्टमेंट में इसी तरह वैकेंसी निकलती रहती हैं, तो डेली जो आपको वैकेंसीज की अपडेट हम देते रहेंगे, और तैयारी करनी आप शुरू कर दीजिएगा, और शुरू कर दी है तो और भी बेस्ट है। सो थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।